162 किलोवाट पर किलोमीटर का हमें ऑलमोस्ट एवरेज मिल रहा है, विच इज बहुत ज़्यादा है, मतलब कम होना चाहिए। तो गाइस अब हम लोग मौसम गांव में हैं और यहां नेटवर्क नहीं होने की वजह से प्लग शहर पे कोई भी चार्जर नहीं दिख रहा है। हेलो दे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त हैं, मजे में हैं और सेफ है। सबसे पहले सॉरी कि बहुत दिनों के बाद जो ये लंबा वाला वीडियो है वो बना रहा हूँ। वैसे शॉर्ट्स तो आप लोग देख ही रहेंगे, बीच बीच में मैं डालता रह रहा हूँ, पर लंबे वीडियोस काफ़ी दिनों से बंद हो गए थे। पर अभी इस वीडियो के आगे अच्छे अच्छे लंबे वीडियोस आने वाले हैं। तो क्या प्लान है? वेल, नवंबर का महीना है, राइडर मेनिया यानी कि मोटोवर्स पास में ही है, तो राइड का प्लान बन ही रहा है। पर इस बार हमने सोचा है कि हम लोग राइड नहीं करेंगे, जो हमारी पूरी पिछले वीडियोस की सीरीज चल रही है उसी को कुछ एक नया ट्विस्ट देने का प्लान है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि हम लोग मोटोवर्स यानी राइडर मेनिया को राइड तो नहीं कर रहे, पर कुछ अलग सा एक एडवेंचरस चीज़ करने वाले हैं। वो ये है कि हम लोग हमारे ईवी से वहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। नहीं 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 दोस्तों, ओला से नहीं ट्रैवल करने वाला हूँ मैं वहाँ, अभी तक वो प्लानिंग नहीं किया। पर आप सभी लोगों को पता रहेगा कि मेरे पास एक नेक्सॉन ईवी भी है, यहाँ से प्लान है नेक्सॉन ईवी को लेके जाने का पूरा गोवा तक। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है, जैसे मोटोवर्स राइडर मीना तो कवर होने ही वाला है। नेक्सॉन ईवी से फर्स्ट टाइम मैं पुणे से गोवा, गोवा से पुणे करने वाला हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें कवर होने वाली है। परफॉर्मेंस कैसी कार की, कहाँ है ईवी चार्जिंग स्टेशंस, गोवा में क्या क्या आप कर सकते हैं, ईवी अच्छे से लेके जा सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग सारी चीज़ें मतलब गाड़ियों की रेडी करते हैं, सारा सामान उसमें भरते हैं और सीधा ड्राइव पे निकलते हैं पूना टू गोवा। चलो गाइस, तो सबसे पहले देख लेते कि गाड़ी ठीक है कि नहीं, बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो गाइस ये है मेरी नेक्सॉन ईवी, वैसे तो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा ही रहेगा, तो एक बार चार्ज वगैरह सब चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए 99, ये तो खड़े खड़े 1% डाउन हो गई यार। आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो वैसे डरने की बात नहीं है, मैं भूल गया था कि मैं इसको थोड़े से दूर लेके गया था चलाने के लिए, क्योंकि मुझे टायर प्रेशर चेक कराना था और स्टेपनी भी चेक करानी थी। तो वो 1% वो रनिंग में डाउन हुआ है और मैंने ट्रिप मीटर ज़ीरो भी नहीं किया था, तो मेरे को अभी याद आया। तो अभी क्या 1% हम लोग चार्ज कर देंगे। वैसे तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही है अभी, सब गाड़ी में रात को ही मैं लोड करने वाला हूँ सारा से लगेज वगैरह, और कल सुबह 4 बजे हम लोग मोटोवर्स के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल अभी 1% डाउन है, मैं चार्ज करता हूँ और फिर सब चीज़ें हम लोग गाड़ी के अंदर रखते हैं और सुबह 4 बजे मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, सब कुछ सेट हो चुका है, बज चुके हैं सुबह के 3 और हम लोग निकलने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। मैं बता देता हूँ गाड़ी में कितना सामान है और कितना लोड लेके जा रहे हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा है, रात भर चार्जिंग कर दी थी मैंने और इतना सारा लोड है, मतलब अच्छी खासी जो डिक्की की कैपेसिटी वो फुल यूज़ हो चुकी है एंड ओवरऑल 4 लोग हम लोग जाने वाले हैं, तो वो एक वेट रहने वाला है। तो वेट जो एक इशू है, वो इशू नहीं बोल सकते, एक्चुअली गाड़ी फुल लोड कैपेसिटी पे चल रही है इसका मतलब। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा जानना कि अब फुल लोड कैपेसिटी के बाद गाड़ी कितना हमको रेंज देती है। तो कुछ फर्स्ट स्टॉप मेरा जो रहने वाला है वो सातारा के आसपास रहने वाला है, वो वैसा कुछ प्लान करेंगे और अगर वहीं कहीं कुछ चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है तो वहीं हम लोग चार्ज करेंगे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, सफ़र चालू करते हैं। सो अभी इधर से हम लोग जो ट्रिप है वो ज़ीरो कर देते हैं, तो अभी जो रेंज दिखा रहे हैं 100% पे 320 विच इज़ क्वाइट गुड, पर इतनी रेंज एक्चुअली मिलेंगी नहीं, ऑन द गो जो भी एक्चुअल रीडिंग्स है वो कैलकुलेट होते रहेंगे। ट्रिप ए मैंने कर दिया है ज़ीरो, तो इससे हमको फ़ायदा रहेगा कि एक्चुअली हमने कितना किलोमीटर्स रनिंग किया हुआ है और कब हमें टॉप अप रिचार्ज करना है। तो लेट्स गो गाइस। सो
सो गाइस फर्स्ट हॉल्ट ले चुके हैं हम लोग फॉर टॉयलेट ब्रेक एंड ऑलमोस्ट हमने 1 आवर का राइड या ड्राइव कर चुका है एंड दिस इज द स्टेटस. वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 31% ऑफ बैटरी और 57.4 किलोमीटर्स जा चुके हैं. 162 किलोवाट पर किलोमीटर का हमें ऑलमोस्ट एवरेज मिल रहा है, विच इज़ बहुत ज़्यादा है. मतलब कम होना चाहिए इससे भी ताकि हमारी रेंज बढ़े. पर यहाँ से जो सातारा का रूट है ना, वो थोड़ा सा अपहिल जैसा है, तो और सुबह का कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो एक्सीलेटर पे कॉन्स्टेंटली पैर होने के वजह से देर इज़ नो रीजनरेशन. बट स्टिल वी आर मैनेज वेरी वेल टू गेट इट वंस क्रेडिट अप टू 162. अभी एक बड़ा घाट सेक्शन भी आगे आने वाला है, उसके बाद बैटरी स्टेटस तो काफ़ी चेंज होने वाला है. बट आई थिंक सो कि नेक्स्ट से इफ 40% रिमेन हो जाता है तब तक हम लोग सातारा पहुंच जाएंगे. तो फिलहाल के लिए ये स्टेटस है. काफ़ी लोग हमें बीच में मिले जो राइडर मीनिया दैट इज मोटोवर्स को जा रहे हैं, बहुत बाइकर्स मिले, तो अंदर से ऐसी इच्छा हुई कि यार इनके साथ ज्वाइन कर लो, बाइक लेनी थी. पर नहीं, दिस इज अ डिफरेंट एडवेंचर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 6 एंड हमने फर्स्ट अपना चार्जिंग स्टॉप लिया है नियर दिस अमराई रिसोर्ट विच इज़ इन सातारा. और यहाँ टाटा का चार्जर है जिसके थ्रू हम लोग चार्ज कर रहे हैं. तो सातारा जो है हम लोग लगभग पहुँचे हैं 38% रिमेनिंग पे. मतलब हमारा अच्छा रनिंग हुआ, बीच में काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेच था जहाँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग अच्छा हुआ. अभी यहाँ सब अंधेरा है इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, पर लोकेशन काफ़ी अच्छा है और सामने एक चार्ज जोन का भी चार्जिंग स्टेशन है, ड्यूल गन वाला है और 2 पावर स्टेशन है 60 किलोवाट्स के. तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ आप ईवी अच्छे से चार्ज कर सकते हैं. अभी फ़िलहाल हमारी यहाँ टाटा के ऊपर फास्ट चार्ज हो रही है, देखते हैं कैसा होता है. सो वेल गाइज, अभी हम लोग रुके हैं फॉर द सेकेंड टॉपअप. अभी हम कराड़ में हैं एट साई कैफ़े. यहाँ जेनॉन का फास्ट चार्जर है. संगम होटल का जो चार्जर है वो बंद था, मैंने कल रात को ही पता कर लिया था. एंड फॉर द वेरी रीज़न मैंने डायरेक्टली कराड़ आने का चांस नहीं लिया, क्योंकि क्या था कि कराड़ में पहुँच सकता था फर्स्ट चार्ज में, मतलब घर से कराड़ में आ सकता था क्योंकि इट वाज 160 किलोमीटर्स या 167 किलोमीटर्स, तो मेरे पास चार्ज रहता लगभग 20 के आसपास. पर अगर मुझे कराड़ में कुछ नहीं मिलता तो, और सुबह का समय था, तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि कोई चार्जर्स ऑफलाइन हो, कोई चार्जर वर्क नहीं कर रहे हो. तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि पीछे सातारा में एक टॉपअप किया और अभी मैं फुल टॉपअप कर रहा हूँ. तो अभी मेरी जो बैटरी परसेंटेज है, मैं कराड़ में मतलब सातारा पे मैंने 80% तक चार्ज किया, फिर मैं वहाँ से सातारा से कराड़ निकला, कराड़ पे पहुँचते पहुँचते मैं 60% पे आ गया. अब मैं यहाँ से फुल चार्ज करूँगा और एक कराड़ से के जंक्शन से आगे से एक राइट टर्न आता है जहाँ से हम गोवा को जाते हैं, वैसे रूट से जाने वाला हूँ. तो फिलहाल यही प्लान है. अभी सोच रहे थे कि यहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, पर ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी अभी नहीं है शुरू चालू, शायद से दोपहर के बाद खुलता है. बट द चार्जिंग स्टेशन इज़ वर्किंग परफेक्टली और अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने देखा भी, स्पीड भी मैं कुछ ज़्यादा ऐसे बहुत स्लो नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि हाईवे है यार, जनरल अपन जो 70-80 किलोमीटर्स पे जो चलाते हैं वैसे ही चलाना चाहिए. तो सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट एंड साई बाबा ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहना. सो गाइस, कराड़ पे टॉप अप कर लिया है, अभी पूरा 100% चार्ज कर ली थी गाड़ी. और हम अभी जा रहे हैं कराड़ से जो एक राइट टर्न जाता है मलखापुर होते हुए, वहाँ से हम लोग गोवा को निकलने वाले. पर जो रेगुलर रूट है जिसे हम लोग बोलते हैं चोरला या फिर अम्बोली घाट से जाने का, वो हमने अवॉइड किया है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ है कि वहाँ एक तो
कुछ आंदोलन चल रहा है ये तो है ही, साथ ही में वहाँ जो रोड्स है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, घाट की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए ये रास्ते से जा रहे हैं। और इस रास्ते के जो चार्जर्स है वो मैंने देखे हैं, अभी स्टेटस तो वर्किंग है, एक चार्जर 69 किलोमीटर्स पे है और एक दूसरा है 130 या 140 किलोमीटर्स के आसपास। एंड एज पर द इंफॉर्मेशन यहाँ डाउन हिल है तो रीजनरेशन के चांसेस ज़्यादा है, लेट्स सी क्या होता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आता कोल्हापूर जिल्ह्याच्या एंडिंगला अनुस मौसम गाव आहे। सो गाइज आप लोग मौसम गाँव में है और यहाँ नेटवर्क नहीं होने की वजह से प्लग शहर पे कोई भी चार्जर नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये अंकल मिले जिनका होटल है गारवा और उन्होंने हमें हेल्प की कि अगर आपको थोड़ा सा अपने होम चार्जर से चार्ज करना है तो करवा सकते हैं। तो अगर आप कभी ये रूट से आ रहे हैं, ये हाँ रूट कुठला मुंबई गोवा अनुस्कुरा घाट मार्गे, मुंबई गोवा अनुस्कुरा घाट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये होटल गारवा आप वहाँ आ सकते हैं, वहाँ खाना खा सकते हैं, थोड़ा रेगुलर जो चार्जर अपने गाड़ी का आता है उससे चार्ज कर सकते हैं और आगे जाके यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर पे एक फास्ट चार्जर की फैसिलिटी है वहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपको क्रिटिकल हो जाते हो तो यहाँ आप थोड़ी देर एक दो घंटे तीन घंटे एज पर अंकल जो बोलेंगे उस हिसाब से चार्ज करवा सकते हो। तो ये अपडेट है अभी तक का, थैंक यू सर। सो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, दिस इज़ SS पावर सॉल्यूशन, कोल्हापुर नहीं है इनका, कोल्हापुर में भी एक स्टेशन है, दिस इज़ ऑलमोस्ट से 100 किलोमीटर्स फ्रॉम वैगेटॉर, जहाँ मैं जा रहा हूँ वैगेटॉर में वहाँ से है। एंड ये हमारा लास्ट चार्ज रहेगा, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग जाएंगे वैगेटॉर को ही और वैगेटॉर में फिर होटल में चार्ज करेंगे क्योंकि स्पिंडल विंडल सब ले लिया है। तो अभी आपको तो काफ़ी चार्जिंग स्टेशन दिखा दिए, पर ये सारे चार्जिंग स्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन है ना मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो फिलहाल के लिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं और अभी रूम पे मिलते हैं, आराम से बात करते हैं वहाँ, क्योंकि काफ़ी यू नो हेक्टिक हो गया और धूप भी बहुत तेज़ है, तो वहाँ मिलते हैं अच्छे रूम में आराम से बात करेंगे। सो ये जो बिजली फाई का चार्जर मैंने अभी आपको दिखाया है, यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी जो बैटरी की परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 18% हो गई थी, तो जहाँ लास्ट मैंने कराड़ में चार्ज किया था वहाँ फुल किया था, उसके बाद मैं यहाँ आया ऑलमोस्ट लाइक 150 किलोमीटर्स है ये चार्जर, 150-156, बीच में घाट सेक्शन भी है जिसके वजह से काफ़ी मेरी बैटरी ड्रेन हो गई, बट 18% पे मैं यहाँ आ गया और अभी मैंने सिर्फ इस पे 18-86% तक ही किया है क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही लगने वाला है और मैं आगे निकल रहा हूँ। मैं और भी कर सकता था पर मेरा काम हो गया, इतने में मैंने कैलकुलेशन किया तो आई कैन रीच माई होटल सेफली। तो फिलहाल के लिए ये कैलकुलेशन है, अभी मैं आपको होटल रूम में मिलता हूँ और फिर वहाँ अच्छे से पूरी बातें डिस्कस करते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कल आते से ही बैटरी डाउन हो गई थी, रूम में आते से ही तो व्लॉग को कंक्लूड नहीं कर सका। तो अभी बाय द टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे मेरे रिसोर्ट में जो कि है गार्डन विला रिसोर्ट, जो बैटरी परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट अराउंड 30% था। जैसे मैंने आपको कहा मैंने फुल चार्ज नहीं किया था, जो सेकेंड लास्ट रिचार्ज मैंने किया था वो फुल नहीं किया था, मैंने थोड़ा खाली रखा था ताकि मैं जल्दी इधर पहुंच सकूं। एंड वैसे कैलकुलेशन रखा था क्योंकि जहां मैंने पीछे रिचार्ज किया था वहां से मेरा रिसॉर्ट का डिस्टेंस 96 था, तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट करके ही रिचार्ज किया था। वेल गाड़ी अच्छे से पहुंच गई, ऑलमोस्ट 500 प्लस किलोमीटर्स की रनिंग हो गई, टोटल 3 रिचार्जेस लगे एंड कोई भी तकलीफ़ नहीं आई। मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि शायद से जो प्लग शेयर या फिर जो बाकी के ऐप्स हैं वहाँ चार्जर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, दिखा रहे हैं पर कुछ तो भी प्रॉब्लम रहेंगी, पर एक भी जगह पे ऐसा इशू नहीं आया जो भी मैं रूट से आया हूँ।
रादर अगर हम लोग ये रूट करते हैं पूना गोवा, तो ऐसे बहुत रेयर केसेस होगा कि कहीं ना कहीं चार्जर आपका बंद रहेगा। जैसे एक मिला संगम होटल में, संगम होटल का चार्जर चालू था बट इट वॉज ओनली वर्किंग फॉर द शेड्यूल चार्जिंग, मतलब आपको शेड्यूल करना पड़ेगा फिर ही आप चार्ज कर सकते, ऑन द स्पॉट जाके चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसा मस्त फर्स्ट डे रहा हमारा एडवेंचरस, और टाटा नेक्सॉन ईवी मस्त परफॉर्म की। मैंने कोई भी उसको ऐसे चलाया नहीं कि बहुत बज बज के चलाया, मैंने एसी चालू नहीं किया। जो गाड़ी में फीचर्स है जैसी गाड़ी चलनी चाहिए वो सब हमने वैसे ही यूज़ किए। तो ये था डे वन जहाँ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मोटोवर्स का भी ये दिखाया, ग्लिम्स दिखाया कि रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो चुके हैं। अभी आज डे टू, मतलब डे वन ऑफ द मोटोवर्स हमारा डे टू, उसमें मैं आपको सब बताऊंगा क्या मोटोवर्स में होता है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।